एक बात ध्यान रखना, काशी को महाशमशान भी कहा। जैसे महालक्ष्मी होती है, महादेव होते हैं, उसी तरह शमशान में भी, शमशान काशी को महा शमशान भी कहते हैं। विरक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सब काशी में निरंतर रमण करते थे, निरंतर था। चिताभस्म को देखकर माता पार्वती स्तुप्त हो गई, एकदम रुकी कुछ देर के लिए। मां पार्वती कहते हैं, काशी के मणिकर्णिका घाट पर अगर एक बार चले गए, काशी के मणिकर्णिका घाट पर अगर आप पहुंचे और आपने दिल से शिव नाम लेकर एक बार अगर किसी मुर्दे को जलते हुए शमशान में देख भी लिया, तो एक विरक्ति, वैराग्य भीतर से प्रकट हो जाता है। मन ये करता है कि अब संसार व्यर्थ है और शिव नाम ही सार है, और इसी से भाव व्यर्थ नजर आता है, संसार व्यर्थ, सब में व्यर्थता। जैसे आप लोगों ने मकान बनाया होगा, घर बनाया होगा, तो खिड़की और दरवाजा मजबूत रखते हो कि नहीं रखते हो? जम के तो बोल जाएगा, रखते हो ना? खिड़की भी मजबूत, क्यों? कोई चोर ना घुस जाए। जरा जाली वाली लगी कि नहीं लगी? दरवाजा लगा कि नहीं लगा? दरवाजा भी मजबूत, कोई अंदर प्रवेश ना कर जाए, कोई घुस ना। खिड़की और दरवाजे मजबूत होना चाहिए, कहीं उसके अंदर कोई प्रवेश ना कर जाए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी स्तुप्त हो जाती है चिता भस्म को देखकर, तो देवाधिदेव जो महादेव माता पार्वती को हाथ पकड़कर हिलाते हैं, पार्वती हुआ क्या, क्या हुआ? पार्वती जी कहती है, ये चिता भस्म को देखकर मेरे मन में भाव उत्पन्न होता है, संसार मिथ्या, साप मिथ्या। शिव कहते हैं, पार्वती ऐसा नहीं, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्य को अपने कर्म पूरे करना पड़ेगा, और कर्म पूरे करने के बाद वो मेरी शरणागति में आ सकता है। कोई तुमसे कह दे साधु बन जाओ, कोई तुमसे कह दे संत बन जाओ, कोई तुमसे कह दे तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते रिश्ते छोड़ दो, कुटुंब कबीला छोड़ दो, जाओ तुम तो कोई बाबा जी के साथ में मिलकर बाबा बन जाओ, ना ना ना। शिव महापुराण कथा कहती है इससे कोई सार्थक नहीं है। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान माता पार्वती को मणिकर्णिका के घाट पर सुंदर आनंद के साथ, माता पार्वती जी को सुंदर महाशमशान किस रज में चिता भस्म के सम्मुख में कहते हैं, संसार में रहने वाला मनुष्य जब अपना कर्म करते करते, कर्म करते करते मेरा नाम एक बार भी ले लेता है, शिव कहते हैं फिर वो मेरे धाम को आ जाता है। अपने कर्म को करते, अपने भजन को करते करते अपने कर्म में लीन होते, जो मुझे भजता है वो तो मेरे पास है। हम अपने कर्म से वंचित ना, हम अपने कर्म में लगे रहे, भगवत स्मरण में रहे। तुम्हारा जो काम है, दुकान है, धंधा है, पानी है, खूब कर। खिड़की मजबूत होना चाहिए, दरवाजा मजबूत होना चाहिए, अंदर हवा प्रवेश ना करे, अंदर चोर प्रवेश ना करे। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये नेत्र, ये मुख और ये कर्ण, ये हमारी खिड़की है। सबसे मुख्य है हमारे ये कान, ये वो खिड़की है, वो दरवाजे हैं जिससे हमारे भीतर निंदा प्रवेश करती है, जिससे हमारा मन भटकता है, जिससे हम हर कहीं जाना पसंद कर जाते हैं। इन कानों को सही जगह रखो, जहां तुम्हें लगे शिव की निंदा हो रही है,
कथा की निंदा हो रही है, शिव पुराण की निंदा हो रही है, शिव भक्त की निंदा हो रही है, किसी अन्य व्यक्ति की निंदा हो रही है, उस जगह पर अपने कानों को बंद कर वहां से दूसरी जगह चले जाओ और निंदा को श्रवण मत करो। इससे जो हवा प्रवेश करेगी तुम्हारे भीतर के विश्वास को तोड़, हमारे भीतर के भरोसे को तोड़ दे, हमारे भीतर के विश्वास को तोड़ दे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा के बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, देवती देव महादेव माता पार्वती जी के साथ मना कर ले। कई माता कई भाई ऐसे हैं, बच्चे अगर रुष्ट होकर चले जाते हैं तो सोचते हैं जान दे चूल्हा।